ये सर। देखो तो हमने क्या किया, आप लोगों ने इसी मशीन देखी होगी जो उसकी रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग को आप लोग ध्यान से देखना, उसमें लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, इन सब की अलग अलग रिकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो इसी मशीन इतनी क्लेवर है, वो क्या कर रही है कि जो हमने लीड्स लगाई भाई अपना बंद कर ले माइक, उसके बाद लेफ्ट आर्म पे, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक बार राइट आर्म को क्या नेगेटिव, लेफ्ट आर्म को क्या पॉजिटिव, जैसे ही ये करेगी अपने पास पहली लीड बन जाएगी, तो ये बन गई अपनी लीड फर्स्ट। अब चलो सेकंड लीड बनाते हैं, ठीक है, अभी हमने बनाई लीड फर्स्ट, इसके बाद बनाते हैं सेकंड लीड। सेकंड लीड में क्या करेगी ईसीजी मशीन, सेकंड लीड में ईसीजी मशीन करेगी राइट आर्म को तो नेगेटिव पर रखेगी, लेफ्ट लेग को कर देगी पॉजिटिव। ठीक है, राइट आर्म को नेगेटिव पर रखा, लेफ्ट लेग को पॉजिटिव करा, तो एक ऐसे करंट चलेगी। चलिए इसको ईसीजी मशीन क्या करेगी, लीड सेकंड, हमने ऊपर बनाया है लीड फर्स्ट, कैसे बनाया लीड फर्स्ट, लीड फर्स्ट हमने बनाया था कैसे, राइट आर्म को नेगेटिव किया मशीन ने, लेफ्ट आर्म पे जो लीड लगी थी उसको किया पॉजिटिव। ये मशीन सब कुछ अपने आप कर रही है, हम बस एक बार लीड लगा देते हैं, मशीन चालू कर देते हैं, मशीन चालू करने के बाद मशीन अपने आप खुद स्टार्ट कर देती है सारा सिस्टम। तो मशीन ने क्या किया, पहली लीड कैसे बनाई उसने, राइट आर्म को नेगेटिव रखा, लेफ्ट आर्म को पॉजिटिव रखा, पहली लीड बना दी, इस लीड की जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो मशीन में दे दिया। उसके बाद मशीन ने क्या किया, दूसरी लीड बनाई, दूसरी लीड बनाने के लिए उसने क्या किया कि जो लेफ्ट सॉरी राइट आर्म पे जो लीड लगी थी इसको कर दिया उसने नेगेटिव, इसको नेगेटिव करने के बाद जो लेफ्ट लेग पे लगी थी, जो लेग पे लगी थी इसको कर दिया उसने पॉजिटिव। तो उसने क्या किया, अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव चला था वापस, नेगेटिव से पॉजिटिव चलो, नेगेटिव से पॉजिटिव चलोगे तो उसने बना दिया सेकंड लीड। क्लियर हो गया सेकंड लीड, ओके। अब मशीन क्या करेगी, सेकंड लीड की जो भी रिकॉर्डिंग आएगी उसके पास, वो सेकंड लीड की रिकॉर्डिंग देके आगे बढ़ेगी। तो उसने फर्स्ट लीड की रिकॉर्डिंग दे दिया, सेकंड लीड को बनाया, बनाने के बाद रिकॉर्डिंग दे दिया। अब मशीन क्या करेगी, तीसरी लीड बनाएगी, ठीक है, तीसरी लीड बनाने के लिए मशीन क्या करेगी, जो लेफ्ट आर्म पे लीड लगा था ना, इस लेफ्ट आर्म को इस बार करेगी ये नेगेटिव, और जो लेफ्ट लेग था इसको करेगी पॉजिटिव, तो एक ऐसे चलेगी। ठीक है, ये बन गई अपनी थर्ड लीड। क्लियर है? Yes, अब लीड क्या कर रही है, लेफ्ट आर्म पे जो लगी थी इसको वापस उसने नेगेटिव किया, नेगेटिव करने के बाद जो लेफ्ट लेग पे लगी थी इसको पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करने के बाद उसने तीसरी लीड बनाई, तीसरी लीड से एक रिकॉर्डिंग ले ली, रिकॉर्डिंग लेके उसने ईसीजी पेपर बना के आपको दे दिया। अब बहुत आसान सिंपल शब्दों में आप बस जैसे ही मैं पूछता जाऊंगा आप एकदम आसान से बताते जाना, कहीं फंसना नहीं है आपको। लीड फर्स्ट कैसे बनी थी, लीड फर्स्ट कैसे बनी थी, बताओ लीड फर्स्ट कैसे बनी थी, राइट आर्म नेगेटिव, लेफ्ट आर्म नेगेटिव, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव। हाँ ठीक है, राइट आर्म नेगेटिव, लेफ्ट लेग पॉजिटिव, राइट आर्म नेगेटिव एंड लेफ्ट लेग पॉजिटिव, पॉजिटिव। लीड थर्ड के लिए हमने क्या किया था, लेफ्ट लेग पॉजिटिव और लेफ्ट आर्म नेगेटिव, ये अपना माइक लीड थर्ड की बताना एक बार, कर भाई अपना माइक बंद कर ले, स्पीड में दिख रही इस तरह की, देखो एक्स्ट्रा माइक आप बंद कर दो, जैसे ही आंसर दो आंसर के बाद आप क्लोज कर दिया करो माइक को, ठीक है, म्यूट कर दिया करो। ठीक है, थर्ड लीड बनाई हमने, थर्ड लीड बनाया था कैसे, लेफ्ट आर्म को क्या किया था, नेगेटिव, क्या किया था लेफ्ट आर्म को, किया था हमने नेगेटिव, एंड लेफ्ट लेग को क्या किया था हमने पॉजिटिव। क्लियर है ये, लीड फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने तीन लीड्स बना दी यहाँ पे, ओके।
चलो अभी ये तो 3 मिनट बनी थी ना मेरे पास। चलो ये जो 3 लीड्स बनी थी, अब देखना क्या हम कर रहे हैं, सिंपल सा, इन 3 लीड्स के जो बने थे इनको हम सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज मतलब एक के पास जाएंगे, पहली लीड अपनी ऐसे जा रही थी फर्स्ट लीड, उसके बाद अपनी सेकंड लीड ऐसे जा रही थी, और उसके बाद थर्ड लीड अपनी ऐसे आ रही थी। क्लियर है? अब इन सबको क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट पे ले आऊंगा, तो पॉइंट पे ले आऊंगा तो आप बताना, अगर ये मैं एक सेंटर पे सबको ला रहा हूँ, एक सेंटर से एक लीड तो इधर जा रही है फर्स्ट लीड, क्लियर है, थर्ड लीड इधर को आ रही थी अपनी, और सेकेंड लीड अपनी इधर को जा रही थी। बताओ क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं? ये फर्स्ट लीड को मैं अगर लाके इसके पास में यहाँ पे, ये फर्स्ट लीड को मैं नीचे ले आऊँ, इस फर्स्ट लीड को नीचे ले आकर यहाँ पे लगा दू, यहाँ पे लगाने का फर्स्ट लीड इधर को जाएगी, तो ये अपनी फर्स्ट लीड हो गई, और ये अपनी सेकेंड लीड जाएगी नीचे से, और ये अपनी थर्ड लीड थी। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट लीड थी, ये सेकेंड लीड थी, ये थर्ड लीड थी। अब ध्यान से देखना, ये जो फर्स्ट लीड है ना, ये जो फर्स्ट लीड है ये जाती है 0 डिग्री पे, ये से अभी बताऊंगा मैं क्या है ये 0 डिग्री पे। सेकंड लीड का होता है 60 डिग्री, और थर्ड लीड का होता है अपने पास कितना, ये थर्ड लीड है, थर्ड लीड का होता है 120 डिग्री। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, हमने क्या किया था, ये चीजें आपको अभी के अभी बिल्कुल समझ लेनी है, बात के लिए छोड़ना ही नहीं है। हमने क्या किया था कि अपने पास जो भी एक इंसान था, सपोज दैट ये इंसान का हर्ट था, हर्ट यहाँ पे पड़ा है, हमने ऐसे लीड्स बनाए, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो लीड्स बन रही है ना, ऐसे लीड्स तो हाथ से बन रही है, लेकिन मैंने इस लीड को नीचे लाके वापस हर्ट पे सेंट्रलाइज कर दिया। हमने जब हर्ट पे सेंट्रलाइज किया तो हर्ट से एक ऐसे बनी फर्स्ट लीड, ठीक है, फिर एक ऐसे नीचे को तरफ जा रही थी। अब सपोज दैट मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, तो एक लीड यूं बन रही थी, ठीक है, एक लीड यूं वहां से शुरू होकर नीचे पैर की तरफ जा रही थी, मैंने भी इसको शिफ्ट करके कहा हर्ट पे जाया, तो हर्ट पे शिफ्ट करके जाऊंगा तो एक लीड यूं जाएगी, ये बनी थी अपनी सेकंड लीड। और फिर एक लीड कौन सी बनी थी, जो यहाँ से करके ऐसे जा रही थी, तो मैंने भी इस लीड को कहाँ पे सेंट्रलाइज किया, हर्ट पे, अपने को हर्ट पे ही देखना है, तो एक लीड अपने को यूं मिल गई थी थर्ड वाली। अब देखना कितनी अच्छी बात है, मतलब आप ट्रस्ट नहीं करोगे उस बंदे ने क्या सोचा था, जो इन्फ्लुएंस था, देखो वो बंदा क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है कि ये जो फर्स्ट लीड है ना, ये इस हर्ट को 0 डिग्री से देख रही है, ठीक है। अब सपोज दैट 0 डिग्री क्यों देख रही है, ये अपने पास एक लाइन है, इस लाइन को अगर मैं 0 डिग्री मानूं, ठीक है, ये अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, अपने आप 180 डिग्री, इसका माइनस का हो जाएगा, नहीं ये माइनस का 180 डिग्री, ये प्लस का 0 डिग्री, एक इधर को, क्लियर है। ये अगर आप एक्स एक्सिस मानते हो तो इसको क्या मानोगे, माइनस एक्स, बीच में आप क्या कर दो, एक सेंटर कर दो, ठीक है। अब इस सेंटर से हमने क्या किया, एक 60 डिग्री का सेकंड लीड लगा दी, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और थर्ड लीड हमने कितने पे लगाई थी, 120 डिग्री पे थर्ड लीड लगा दी, ठीक है। हम सिंपल से ये कर रहे हैं, ये सेकंड लीड क्या कर रही है, ये 60 डिग्री पे लगी है, और थर्ड लीड क्या कर रही है, ये लगी है 120 डिग्री पे, क्लियर है। तो उस बंदे ने क्या कहा कि जो ये लीड्स बन रही है ना, ये लीड्स है तो हर्ट बीच में, तो जो पहली लीड बनेगी, जो ऐसे करके हम बना रहे थे पहली लीड, ये लीड क्या करेगी, हर्ट को इधर की साइड से 0 डिग्री के एंगल पे हर्ट को देख रही है, ठीक है। हमने मेरे पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि अगर एक बिल्डिंग में क्या आ गए, कोई आतंकवादी आ गए, उस आतंकवादी को आपको पकड़ना है, तो पुलिस एक जगह थोड़ी रहेगी, पुलिस को हर जगह से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस क्या करेगी, राइट एंट्री पे रहेगी, लेफ्ट एंट्री पे रहेगी, सामने रहेगी, फ्रंट पे रहेगी, कॉर्नर्स पे रहेगी, हर जगह पुलिस रहेगी, कहीं से भी अगर हो जाता है तो उसको शूट आउट कर देंगे। तो हम बंदे ने क्या किया, चारों तरफ से हर्ट के चारों तरफ लीड्स लगा दी, कहीं से भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो तो मैं इसको कैप्चर करूं, कैप्चर करके तुरंत एसीबी पेपर पे उसको छाप दूं, छापने के बाद हम देखेंगे क्या दिक्कत है। तो जैसे ही फर्स्ट लीड बनी, फर्स्ट लीड ने अपना काम क्या किया, इस फर्स्ट लीड ने 0 डिग्री से स्टार्ट कर दिया किसको, हर्ट को देखना, क्लियर है। तो फर्स्ट लीड का इसको कहते हैं एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, ये याद रखना, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, बोलिए फर्स्ट लीड का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन कितना रहता है, 0 डिग्री, सेकंड लीड का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन कितना रहता है, 60 डिग्री, ठीक है, थर्ड लीड का एंगल ऑफ ओरिएंटेशन कितना रहता है, 120 डिग्री, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, नो सर, नहीं सर। चलो अब बताओ, ये जो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लीड बनाया हूं, ये हर्ट को किस प्लेन में देख रहे हैं, कोरोनल प्लेन में देख रहे हैं
या फिर एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन में देख रहे हैं? सर कोरोनल प्लेन में। कोरोनल प्लेन में, क्यों? क्योंकि ये लिम्ब लीड है, लिम्ब लीड है तो कोरोनल प्लेन में देख रहे हैं। तो कोरोनल प्लेन में बताओ, अगर मैं ये खड़ा हूं, ये अपना बोर्ड कोरोनल प्लेन ही है, कोरोनल प्लेन में मैं इसको जीरो तो मानूंगा, इनपुट मानूंगा, ये जीरो हो गया, जिसके पॉजिटिव में क्या होगा, माइनस का 190, नीचे की तरफ से कोई देख रहा है 60 डिग्री पे देख रहा है, यहां से कोई देख रहा है तो वो 120 डिग्री पे देख रहा है। अब सपोज देख क्या किया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने अपने एक जस्ट राइट साइड में एक बंदे को लगा दिया, वो मुझे देख रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, ये मुझे जीरो डिग्री देख रहा है, ठीक है। कोई बंदा मैंने नीचे की तरफ यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, ये मुझे 60 डिग्री पे देख रहा है। मैंने किसी बंदे को यहाँ पे लगा दिया, तो मैं क्या कहूंगा, ये मुझे 120 डिग्री पे देख रहा है, ठीक है। तो ये अपना हार्ट रहा, अब मुझे छोड़ो हार्ट पे आ जाओ, हार्ट क्या कहेगा, ये मुझे जीरो डिग्री देख रहा है, ये नीचे वाला क्या कर रहा है, 60 डिग्री देख रहा है, ये क्या कर रहा है, 120 डिग्री देख रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब ये हमने कर दिए, तीन लीड बना दिए, अपने पास तीन लीड थी, ये तीन लीड से हमने कितने बना दिए, तीन लीड बना दिए। बताओ लीड कौन कौन से बनाए थे, लीड फर्स्ट, लीड सेकेंड एंड लीड थर्ड, ठीक है। अपने पास तीन लीव लीड थे, तीन लीव लीड से हमने लीड फर्स्ट, लीड सेकेंड, लीड थर्ड बना दिए। कैसे बनाया आपको पता है, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो अब हम क्या करते हैं, तीन लीड और बनानी है, आज ही बना दें या कल बनाएं? सर कल बना देंगे सर, कल बनाएंगे। चलो कोई नहीं, तीन लीड कल बना देंगे, लेकिन जो आज मैंने बताया ना, प्लीज आप इसको एक बार रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे आपको, मन करे तो नोट डाउन कर देना, ठीक है। नोट डाउन कर दोगे तो अच्छी बात है, आप अपने लैंग्वेज में करोगे, क्योंकि हम जो नोट्स बनाएंगे देंगे आपको ना, वो थोड़ा सा हमारे लैंग्वेज में रहेगा, तो आपको मन करे तो रिकॉर्डिंग देख देख के आप ऐसे बना लेना अच्छे से, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। और जो भी मैंने पढ़ाया ना, मैं आपको एक बार 5 मिनट में रिवाइज करा दूंगा कल, लेकिन आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ, मैं अपना आउटपुट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ जो भी, तो आपसे भी कुछ मुझे मिलना चाहिए कि हाँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक। ओके, आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आप क्या करोगे, आपका होमवर्क क्या है, घर जाओगे, घर पे तो वही, कल आप जैसे ही दिन में कहीं बाहर जाओगे, आपको एक ईसीजी पेपर देना है, ईसीजी पेपर लेके जस्ट लीड्स को एक बार ऑब्जर्व करना, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, उसके बाद देखना उसमें और कौन कौन सी लीड्स हैं, वो सारी चीजें आप मुझे कल बताओगे, कितने लीड्स के रिकॉर्डिंग उसमें आपको शो हुई है, ठीक है। ओके सर, चलो ठीक है, फिर करें लेक्चर ओवर। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। चलो।